यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। विदेश दौरे से लौटने के बाद सीएम मनोहर लाल ने एचएसएससी पर बयान दिया। सीएम ने भ्रमण के मामले पर जल्द कार्रवाई करने की बात की है। जैसे ही संज्ञान में आया कि इस प्रकार का प्रश्न आया है तो मैंने तुरंत उस समय भी चेयरमैन से सारी बातचीत पूछी और पूछ करके सारी जानकारी ली और उनका हम इसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है वो उचित नहीं है। मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं। उसके बाद उन्होंने खेद भी प्रकट कर दिया और हमने जो एग्जामिनर है, चीफ एग्जामिनर, उसके खिलाफ अभी तो इतना कर दिया कि उसके किसी भी आगे पेपर के लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आगे कोई पेपर वो नहीं बनाएगा। सार्वजनिक स्थान पर खुले में नमाज पढ़े जाने को लेकर हरियाणा के हाल ही में राज्य मंत्री के दर्जे से नवाजे गए हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रईस खान ने बड़ा बयान दिया है। रईस खान ने कहा है कि वक्फ बोर्ड जल्द ही अवैध कब्जे वाली जगहों को खाली करवाएगा और जिससे मुस्लिम समाज को मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और खान ने सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भाइयों को भी सीख देते हुए कहा कि उनके मजहब में सिखाया जाता है कि ऐसा काम ना करे जिससे किसी दूसरे भाई को तकलीफ हो। देखो, जो 19 जगह चिन्हित किए उसके अलावा भी और कई जगह हमारे सामने आई है, वो चिन्हित करके हमने डीसी साहब को, प्रशासन को दे दिए हैं। उनमें से कुछ जगह बहुत जल्दी उसमें खाली हो जाएंगी। मैं इसी प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ और मैं समझता हूँ बहुत ही जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं 5-6 जगह अपने कब्जे में उनमें से लेकर वहाँ हम नमाज शुरू करा दें, क्योंकि लोगों को परेशानी भी हो रही है हमारे समाज को। और मेरे सबसे पहला मेरा यही काम है, और भी जगह हमारी जो सामने आ रही है उनको सबको खाली करा के इनको मुसलमानों के लिए, मस्जिद के लिए इनको देना।